अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है चॉकलेट केक की रेसिपी। आज मैं आपको जो केक सिखाने जा रही हूँ बहुत सिंपल वे में है। इसके लिए अगर आपके पास ओवन नहीं है, बीटर नहीं है, तब भी आपका केक बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, तो हम अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ 1 पाउंड केक, तो मैं उसी लिहाज से क्वांटिटी लूँगी। मैं आपको साथ साथ बता दूँगी कि अगर आपका 2 पाउंड है या 3 पाउंड है तो आपने उस लिहाज से कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब जो इसमें मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ 1/2 कप मैदा। आप एक ही कप ले लें, आप उसमें जो है वो सारी चीज़ों को मैयर कर लें और आप उसी लिहाज से बना सकते हैं। एक ही कप आप ले साइज़ का, क्योंकि अगर आप कप चेंज करेंगे, उसको 1/2 कप भी लेंगे तो आपको थोड़ी सी भी ऊँच नीच होगी तो आपका केक बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए 1/2 कप मैदा, 1/2 कप ही चीनी लेंगे, 1/2 कप ऑयल, 2 अदद अंडे, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेसिकली क्या होता है कि आपके वो केक को फुलाने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो इसमें वनीला एसेंस भी लेंगे, ये सिर्फ 1/2 चम्मच यूज़ करेंगे। वनीला एसेंस इसलिए यूज़ करते हैं कि जो अंडों की होती है वो खुशबू वगैरह वो ताकि ना आए, तो वनीला एसेंस की खुशबू से आपका केक बहुत मज़े का बनता है। अब इसमें जो कोको पाउडर है वो मैं 2 से 3 चम्मच भर के यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको चॉकलेट की क्वांटिटी ज़्यादा पसंद है, जैसे आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें 1/2 कप कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले अंडों को हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अब मैं जैसे आपको बता रही थी कि 1 पाउंड केक मैं बना रही हूँ, अगर आपकी क्वांटिटी सॉरी अगर आपका अगर आपने बेक करना हो 2 पाउंड का केक, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अगर एग इसमें मैंने 2 लिए हैं, तो आप 2 पाउंड के केक में 4 अंडे कर लेंगे। इसी तरह अगर ये सारी चीज़ें 1/2 कप में है तो 1 1 कप हो जाएंगी। और कोको पाउडर का वही है, अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो उसमें आप 1 कप कोको पाउडर यूज़ कर लेंगे, या जितना आप चॉकलेट डालना चाहते हैं आप वो स्पून्स उतने डाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले अंडों को बीट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास बीटर और ओवन वगैरह हर चीज़ हो, जिनके पास नहीं है, हम सिंपल जो है वो बीट करने के लिए एग, ये तो हर किसी के पास होता है। अब हम क्या करेंगे, बीटर की जगह मैं आपको बता रही हूँ कि अंडों को जब हम बीट करेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि हमारे अंडों के ऊपर जो है वो झग बन जाए। इसको आपने 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट करते जाना है। थोड़ा सा ये टाइम लगता है, अगर बीटर नहीं है आपके पास, बीटर में थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखें, आप केक में आपको जो बनाना सिखा रही हूँ वो बिल्कुल लेस एक्सपेंसिव है, सारी चीज़ें आपको घर में मिलेंगी। कोई भी आपको इसके लिए जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको ईजिली ना मिल सके। अब इसको हम अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए बीट करते हैं। अब जैसे आप देखें कितने अच्छे तरीके से अंडे बीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑयल थोड़ा थोड़ा डालना है आपने, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसको डालेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालते जाना है और इसको बीट करते जाना है। अब थोड़ा सा मैंने डाल लिया, अब इसको बीट करूँगी अच्छे तरीके से। इसको बीट करना है, फिर थोड़ी सी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सारा ऑयल डाल के अच्छे तरीके से इसको हमने बीट करना है। अगर आप बीट वगैरह अच्छा करेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा और बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब ऑयल डालने के बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। जिस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऑयल को डाला था, इसी तरह से हम चीनी को भी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको अच्छे तरीके से बीट करना है कि चीनी हमारी बिल्कुल नीचे बैठी ना रह जाए। इसको बीट करते जाएंगे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल के अच्छे तरीके से बीट करना है। इसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अब अंडे हमने बीट कर लिए, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाला, इसी तरह मैंने चीनी ऐड की थोड़ी थोड़ी करके, अच्छे तरीके से इसको बीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, और इसे आप किसी भी, अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये स्पैचुला आपके लिए बेस्ट है, ये आपको इजीली मिल जाएगा कहीं से भी। इसको हम हिलाएंगे एक ही डायरेक्शन में आपने हिलाना है। अब इसी तरह हमने मैदा इसमें ऐड करेंगे और एक ही डायरेक्शन में उसको इसी तरह से घुमाएंगे और बनाएंगे। अब वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे और इसको इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसी तरह से सारा मैदा जो है इसी तरह से हम कर लेंगे। अब मैदा ऐड करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब बेकिंग पाउडर को इसी तरह से डालेंगे और हम इसमें मिक्स करेंगे
और इसके बाद बस हमारा कोको पाउडर रह गया है। हमने कोको पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स, अब बिल्कुल लास्ट में कोको पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा से इसी तरह से करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। अगर कोको पाउडर डालने की वजह से ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा दो तीन जो है वो ड्रॉप्स हम बिल्कुल दूध के डालेंगे, ताकि ये जो है वो थोड़ा सा हार्ड ना, इतना ज़्यादा हार्ड ना हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर बैटर आपका थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध डालने से ये होगा कि हमारा केक जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। बिल्कुल थोड़ा सा चंद ड्रॉप्स लिए हैं मैंने, इनको ऐड कर दिया। इसको मिक्स करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको प्रेशर कुकर में किस तरह से बनाना है। अब केक बनाने के लिए मैंने सांचा ले लिया, ये 1 पाउंड का है। आपने जितने भी पाउंड का केक बनाना होगा उस लिहाज से वो सांचा ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको पूरे हम इसमें जो है वो स्प्रेड करेंगे। साइड्स पे भी इस तरह से करना है, क्योंकि जब केक ने फूलना है तो वो ऊपर तक आएगा। अब इसमें हम अपना बैटर ऐड करेंगे सारा। अब प्रेशर कुकर का क्या है कि आपने इसको ना 10 मिनट जब आपने रखना है, इससे पहले आपने 10 मिनट के लिए जो है प्रेशर कुकर को अच्छे तरीके से गर्म करना है, हाई फ्लेम कर लेना है। लेकिन जब मैं इसमें ये सांचा रखूँ, ये केक हम अंदर रखेंगे प्रेशर कुकर के अंदर, तब जो है आपने बिल्कुल इसका लो फ्लेम कर लेना है। जैसे हम चावल वगैरह को दम वगैरह देते हैं, उस आँच पर आपने इसको केक को रखना है। और 45 मिनट के बाद हम केक को चेक करेंगे कि केक बना है कि नहीं बना। अब मैं क्या करती हूँ, अब ये सारा हमने डाल लिया, अब हम इसको प्रेशर कुकर में रखेंगे। अब बिल्कुल गर्म हुए प्रेशर कुकर के अंदर मैंने स्टैंड रखा हुआ था पहले ही, इसको 10 मिनट के लिए हमने अच्छे तरीके से हीट अप किया है। अब इसमें जो है अपना केक डालेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम रख देंगे, और इसको 45 मिनट के बाद चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं। अब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के बाद हम चेक करते हैं केक को। कोई भी टूथपिक ले लें आप, उससे चेक कर लें केक को। आप देख रहे हैं कि ये, अगर इस पर कुछ भी नीचे लगा हो अगर, तो सही, इसका मतलब है नहीं पका हुआ। तो आप इसको 10 मिनट के लिए और पका सकते हैं। बाज़ूकात ऐसा होता है कि 45 मिनट्स में अक्सर नहीं भी अच्छा पड़ता पकता है, तो आप 5-10 मिनट के लिए इसको फिर से दोबारा से इसको कवर अप कर दें, तो अच्छी तरीके से हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये मैंने ड्राई चॉकलेट केक बनाया है, इसलिए मैं इसके ऊपर चॉकलेट नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको इसके ऊपर चॉकलेट डालनी है तो आप इसमें कोई भी चॉकलेट मेल्ट करके तो इसके ऊपर डाल सकते हैं, और उस पर बंटीज वगैरह भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के आप सर्व वगैरह कर सकते हैं। बस हमारा केक बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी इस केक की। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे, मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।